कि अगर आपका साथी, अगर आपका बेटर हाफ, अगर आपका पार्टनर आपको बहुत ही लविंग मिले और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग मिले, तो आपको कोई बात कहने की जरूरत ही नहीं है, वो आपकी आंखें देख के ही समझ जाएंगे। कहते हैं ना दैट यू डोंट हैव टू स्पीक इट आउट विद योर वर्ड्स, योर आईज स्पीक फॉर यू। सो यस, मेरे को लगता है कि आज एक ऐसा ही पार्टनर हमारी चारों को भी अश्विनी में दिख गया है, और जैसा कि कहा जाता है, वो नजरें झुकाए बैठे हैं, दिल में कुछ बातें छुपाए बैठे हैं। वो नजरें झुकाए बैठे हैं, दिल में कुछ बातें छुपाए बैठे हैं, ये तो मेरा खुदा भी जानता है दोस्तों, कि वो दिल ही दिल में अश्विनी को बसाए बैठे हैं। वह दोस्तों ऐसे ही इनका प्यार बढ़ता रहे, यही हमारी दुआएं हैं। फिलहाल नेक्स्ट परफॉर्मेंस की तरफ रुख करेंगे, और हमारे बीच अब आ रही हैं श्वेता। को एक बहुत बहुत बधाई भरा पैगाम देना चाहेंगे। जी हाँ, उन्हें बहुत बहुत बधाई हो आज की ये शाम, और उनके घर आने वाली एक प्यारी सी मेहमान। जी हाँ, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अश्विनी एंड चारू की, जो आज एक प्यारे से बंधन में बंधने वाले हैं। और ये जो बंधन है, एक बहुत ही प्यारा बंधन है दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत सारी खुशियां हैं, इसमें एक लाइफ पार्टनर है, जी हाँ, जो आपकी पूरी ज़िंदगी में आपके साथ रहने वाला है, और जिसके साथ आप अपनी खट्टी मीठी अच्छी बुरी सारी बातें शेयर करने वाले हैं, हु इज़ गोइंग टू बी अ सपोर्ट टू यू। तो ऐसा एक सपोर्ट सिस्टम अश्विनी को मिल गया है, एंड दैट इज़ आर क्यूट लिटिल ब्राइड, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट चारू। तो दोस्तों इनके बारे में और भी खूब सारी बातें होंगी, फिलहाल आज की इस शाम का आगाज करने जा रहे हैं, और सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं भगवान के नाम से, क्योंकि कहते हैं कि ऊपर वाले को याद किया जाए तो दोस्तों हर मुश्किल हल हो जाती है, और मुश्किलों में ही क्यों, उन्हें तो अच्छे दिनों में भी याद करना चाहिए, और ख़ास तौर पर जब खुशियों वाला माहौल हो तो ज़रूर से ऊपर वाले को याद करना चाहिए। तो फिलहाल ऊपर वाले के साथ, उनकी यादों के साथ, जी हाँ, यहाँ पर शुरुआत करने जा रहे हैं। With this, I would like to call a troop on this floor. So be with us right over here and keep enjoying.